मेरे विचारार्थ इस्तीफे सौंपे गए, जिसकी कल रात में मेरे द्वारा 16 माननीय सदस्यों की सदस्यता मेरे द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किया गया था। आज फिर कल रात में ही निर्णय ले लिया था, लेकिन रात ज्यादा हो गई थी तो मैंने मुनासिब समझा आप सुबह को सुबह बुलाऊंगा। माननीय सदस्य श्री शरद कुमार के त्याग पत्र के संबंध में, श्री शरद कुमार कुल सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक 6/3/2020 को सदन की सदस्यता से त्याग पत्र संबंधी पत्र अध्यस्थित है। 6/3/2020 को संबंधित सदस्य द्वारा मेरे समक्ष मेरे निवास पर उपस्थित होकर त्याग पत्र पर हस्ताक्षर किए और मुझे सौंपा। मैंने ये तय किया है कि ये जो 9 मार्च को ये 16 विधायकों को ले गए, कौन से जा 16 को ले गए, किस जात में ले गए, किसने उसका व्यवस्था करी, किसने उसका पैसा दिया, कहाँ ठहरे, किस प्रकार का दबाव था, आगे आने वाले समय बताएगा। सबको ये याद रखना है कि आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है और परसों आएगा। जनता गवाह। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा और इसका कारण एक ही है, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया है, मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कभी पड़ा नहीं। मैंने साफ और स्पष्ट राजनीति करी, मैंने मूल्यों की राजनीति करी और मैंने हमेशा कहा और पूरा मीडिया और पूरी जनता गवाह कि 15 साल के भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई नहीं मेरे ऊपर उंगली उठा सकता। अंतर विरोधों के कारण अगर सरकार गिर जाए और कांग्रेस के मित्री अगर संतुष्ट न रह पाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। और इस बार भी अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता गिराने बचाने के खेल में नहीं रही। अपने वोट से यह सरकार गिरी है और आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अब वो आप विश्लेषण करें कैसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई। शुद्ध प्लस पान मसाला पेश करते हैं आज की बड़ी खबरें।